हेलो दोस्तों कैसे हैं मेरे भाई आप सब दोस्त सब दोस्त बढ़िया हैं उम्मीद कर रहा हूँ तो क्या आप सभी दोस्त जो हैं वो आज की क्लास के लिए रेडे रे हैं जी के जी की हमारी जो है पी वाई क्यू बेस्ड सीरीज़ जो है वो चल रही है उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास भी अपनी शुरू कर रहे हैं तो सभी दोस्त जो है... हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हैं मेरे भाई आप सब दोस्त सब दोस्त बढ़िया हैं उम्मीद कर रहा हूँ तो क्या आप सभी दोस्त जो हैं वो आज की क्लास के लिए रेडे हैं जीके जीएस की हमारी जो है पी वाई क्यू बेस्ड सीरीज़ जो है वो चल रही है उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास भी अपनी शुरू कर रहे हैं तो सभी दोस्त जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स वगैरह बना लीजिएगा साथ साथ में क्योंकि जो चीज़ें एक बार हम करेंगे रिवाइज पढ़ेंगे उनको दोबारा दोबारा जो है वो रिपीट नहीं किया जाएगा क्योंकि एक ही सीरीज़ में आपकी जी के की जो गारंटी हमने ली हुई है वो पूरी करें वट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स वह फ्रिक्शनल फोर्स का नाम बताइए जो कि दो सरफेस के बीच में इंट्रैक्ट होती हैं रिलेटिव स्पीड में ठीक है रिलेटिव स्पीड में फ्रिक्शन बनते हैं देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ को जा रहा है जब ये दोनों आपस में रब होंगे तो इनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होती है ठीक है फ्रिक्शन पैदा होती है तो उस फोर्स को इन्होंने पूछा कि कौन सी फ्रिक्शन कहते हैं तो उसे बेसिकली कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है बट काइनेटिक फ्रिक्शन तो आप बोलेंगे कि सर ऑप्शन में तो है ही नहीं फिर आप काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे बोलते हैं बट काइनेटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम भी है जिसे काइनेटिक फ्रिक्शन को जैसे बोलते हैं ना काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो नाउन एज विच फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन ठीक है तो डायनेमिक फ्रिक्शन तो ऑप्शन में है मेरे भाई तो डायनेमिक फ्रिक्शन ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे बिल्कुल सही होता हुआ चलेगा सभी दोस्त जो हैं वो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट में अपना रिव्यू भी जरूर दीजिएगा और ग्रुप्स वगैरह जो हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विथ आर्टिकल्स रिलेटेड टू दूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री देखिये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे ठीक है तो यहां पर पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके ऊपर बहुत हंगामा जो है वो ऑलरेडी हो रहा है ठीक है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूछा गया कि यह किस आर्टिकल में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई है क्या चीज ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है कि वन लॉ फॉर ऑल नेशन क्या होता है वन लॉ फॉर ऑल नेशन या कह लीजिए ऑल इंडिया पूरे भारत के लिए एक कानून होगा ठीक है सभी धर्म जो होंगे उन सभी धर्मों के ऊपर एक कानून जो है वो अप्लाई होगा जैसे मैरिज का अलग अलग होता है डाइवोर्स का अलग अलग होता है ठीक है सभी धर्मों में सी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ये सभी कानून जो है वो एक हो जाएंगे एक समान हो जाएंगे सभी धर्मों के अंदर और इसमें एक की पॉइंट जो है वो क्या बनता है इंपॉर्टेंट कि बनेगा भाई फर्स्ट स्टेट बताइए यहाँ पे यूसीसी सबसे पहले अप्लाई हुआ था ठीक है तो वो कौन सी रहेगी मेरे भाइयों उत्तराखंड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सबसे पहले पास हुआ था कब हुआ था सेवन ऑफ़ फ़रवरी 2024 को 2024 में दूसरे महीने में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कहीं पास हुआ है तो वो कहाँ हुआ है उत्तराखंड में हुआ है जो कि उत्तराखंड के सी जो है वो कौन है पुष्कर सिंह दामी कौन है मेरे भाई पुष्कर सिंह दामी सब हम जो है वो कवर करते हुए चलेंगे बस आप सभी दोस्तों को धैर्य बनाए रखना है आराम से धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए चलेंगे ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी ठीक है जो कि आता है आर्टिकल नंबर 44 के अंडर आर्टिकल नंबर 44 के अंडर आता है कल मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट नंबर फोर्टी जो है उसमें क्या हुआ था जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए पुष्कर सिंह दामी पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है उत्तराखंड स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ है और दो चौबीस में जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है क्लियर चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन का ठीक है तो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से हमारी बन जाएगी देखिए ड्राइंग पे मत जाइएगा यार इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इजीली जो है वो चीज़ें समझ आ जा जाएं ठीक है तो लार्ज इंटनसटाइन का उन्होंने पूछा इस पार्ट का नाम क्या है तो इस पार्ट को कहते हैं सीसम ठीक है सीसम कहते हैं और ये एंड का जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं तो लास्ट पार्ट जो है इसे एनस कहते हैं और इसके ऊपर एक पार्ट रहता है इसे रेक्टम कहते हैं ठीक है ये लार्ज इंटनसटाइन के तीन इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकते हैं कई बार क्या होता है कि लेंथ पूछ लेते हैं इसकी क्या पूछ लेते हैं लेंथ पूछ लेते हैं तो 1.5 मीटर जो है वो लार्ज इंटेंस की क्या होती है लेंथ होती है अगर फीट में दिया हो तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं पाँच फुट ठीक है क्या कहेंगे आप पाँच फुट तक जो है इसकी लेंथ होती है क्लियर है किसी क्वेश्चन में मेरे किसी भाई को कोई डाउट रह जाए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं नीचे हैंडल्स दिए रहेंगे वहां पर भी आप पूछ सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है एनुअल रेन फॉरेस्ट पूछा गया रेनफॉल इज ग्रेटर देन डैश देर आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सिंपल सा कहा गया है कि वह वन बताइए जहां पे सॉरी भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे रेनफॉल पूछा गया है कि कितनी होती है रेनफॉल ठीक है देखिए जो भाई इंग्लिश मीडियम वाले ना उनके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वाले जो भाई हैं उनको भी कोई तकलीफ ना हो ठीक है तो उनके लिए हिंदी में नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है जो कुछ वर्ड्स वैसे होंगे जो एक्सप्लेन करने लायक होंगे जिनको हिंदी में अलग कहते होंगे इंग्लिश में अलग कहते होंगे वो मैं ट्राई करूंगा डेफिनेटली एक्सप्लेन भी कर दूं ठीक है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है मेरे भाइयों उनमें हर वर्ष जो है ट्वेंट सेंटीमीटर जो है प्लस वो फॉल होता है ठीक है अगर बात कर ली जाए कि कौन कौन से आ जाएंगे इसमें तो वेस्टर्न गार्ड्स आ जाएंगे कौन कौन से आ जाएंगे वेस्टर्न गार्ड्स आ जाएंगे ध्यान रखिए जो जो चीजें लिखवा रहा हूं वो लिखते चलना है आपको साथ में असम का रीजन आ जाएगा असम का क्षेत्र जो है ठीक है असम का रीजन आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ जाएगा मेरे भाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ जाएगा और तमिलनाडु का कोस्ट आ जाएगा ये वो एरियाज हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादातर पाए जाते हैं ठीक है और वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है अगर इन केस क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि बताइए भाई कि लार्जेस्ट जो है लार्जेस्ट वाला कौन सा रहेगा लार्जेस्ट कौन सा रहेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर रहेगा तो एमेजन बेसिन में रहेगा कहाँ पर एमेजन बेसिन में रहेगा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिच स्टेट हैज़ दी हाइस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जो है वो नेशनल पार्क हैं ठीक है तो कौन से राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं तो मध्य प्रदेश जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं कितने हैं भाई इलेवन नेशनल पार्कस हैं और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट के जो हैं वो नाम लिख लीजिए कान्हा नेशनल पार्क पन्ना पन्ना नेशनल पार्क सतपुरा जो जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ मेरे भाई वो इंपॉर्टेंट हैं नोट्स बना लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे आपको ठीक लगे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर लीजिए बट कीजिए जरूर क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आपको डेफिनेट सी बात है ज़रूरत पड़ने वाली है ठीक है फिर एक आएगी कन्हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कन्ो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी फिर इंपॉर्टेंट रहेगा वन विहार वन विहार जो है ये पूछा जाता है आमतौर पर ठीक है वन विहार और कान्हा ये दो जो है ये इंपॉर्टेंटली ज़्यादातर पूछे जाते हैं इन दोनों पर स्टार मार्क कर लो ठीक है बस इतने इतने जो हैं अभी इतने याद कीजिए जो नेक्स्ट रहेंगे वो आपको नेक्स्ट किसी क्लास में करवा दिए जाएंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ़ फॉलोइंग स्टेट आर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ समर एंड विंटर कैपिटल्स इन ऑप्शन में देखिए भाई और बताइए कि कौन सी यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट राज्य है जिसकी समर की भी कैपिटल है जिसकी समर में कैपिटल अलग होती है और विंटर्स में कैपिटल अलग होती है ठीक है तो वो कौन सा रहेगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा ठीक है तो जम्मू एंड कश्मीर की समर में कैपिटल्स क्या होती है समर के दिनों में श्रीनगर होती है और विंटर के डेज में जम्मू जो है वो कैपिटल रहती है जम्मू कश्मीर एकमात्र स्टेट है जिसकी दो कैपिटल्स हैं और बात कर ली जाए डिस्ट्रिक्स की कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर में तो टोटल जो है वो ट्वेंटी हैं टेन जो हैं वो यम्मू में हैं और टेन जो हैं वो कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल हैं क्लियर है किसी भाई को कोई डाउट वगैरह रहे तो बता सकते हैं डिस्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं कैपिटल्स की बात कर रहे हैं तो साथ साथ में हम देख लेते हैं सिक्किम का भी तो सिक्किम की कैपिटल क्या है गंगटोक क्या रहेगी सिक्किम की कैपिटल गंगटोक साथ साथ में सभी मेरे भाई जो हैं वो ट्राई कीजिए आंसर अपना जो है वो कमेंट बॉक्स में देते जाएं बेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है कोलकाता है ठीक है राजस्थान की क्या है मेरे भाई तो जयपुर है जयपुर को क्या बोला जाता है जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है क्या बोला जाता है पिंक सिटी बोला जाता है एक क्वेश्चन बनता है कि जयपुर के ओल्ड नेम के ऊपर बनता है जयपुर का पुराना नाम बताओ भाई तो जयपुर का ओल्ड नेम जो है वो क्या है तो इसका ओल्ड नेम रहेगा एम्बर ठीक है ओल्ड नेम रहेगा एम्बर आपको मैं पहले ही बता चुका हूं हम इस टाइम किसका पढ़ रहे हैं लेवल जो है आपको थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा बाकी मीडियम एग्जाम्स के जैसे आते हैं वैसे जो पहले एग्जाम्स में आपने पढ़े हैं वैसा क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक किसी दोस्त को कोई डाउट वगैरह तो नहीं अगर डाउट होंगे मैं बार बार आपसे बोलता हूँ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु आर दी पेरेंट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है ठीक है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है देखिए ये क्वेश्चन जो है ना फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी करके कम पूछा जाता है ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल स्मॉल पॉक्स बेकाइन के फादर ठीक है स्मॉल पॉक्स वेकाइन के फादर ठीक है जनक ऑफ स्मॉल पॉक्स बेकाइन स्मॉल पॉक्स जो कि चेचक हिंदी में क्या कहते हैं इसको मेरे भाई चेचक चेचक का टीका तो चेचक का टीके का जनक जो है वो किसे कहा जाता है तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछा जाता है तो एडवर्ड जेनर जो है इन्हें कहा जाता है इनके द्वारा जो है वो सबसे पहले स्मॉल पॉक्स जो होती है चेचक होती है उसका टीका जो है वो बनाया गया था कब बनाया गया था सेवनटीन जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसके सिवा जो दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं एंटोनी जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्यों क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सबसे पहले बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ये पहले माइक्रोस्कोपिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया था ठीक है और रोबोट कोच जो हैं ये भी आ जाएंगे इन्होंने ट्यूबर क्लॉसिस बैक्टीरिया कौन सा ट्यूबर क्लॉसिस बैक्टीरिया जो है वो इन्होंने डिस्कवर किया था क्लियर चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई इंटरनेट कैफे ए टी एम बूथ एंड कॉल सेंटर ये जो है ये किसके एग्जाम्पल हैं टर्शरी सेक्टर बैंकिंग सेक्टर सेकेंडरी और प्राइमरी देखिए आमतौर पर जो है वो कितने बताए जाते हैं तीन बताए जाते हैं बट अगर हम एनसीआर को देख के चलेंगे तो इसमें कितने बताए जाते हैं एन सी आर में पांच बताए जाते हैं तो चलिए मेरा फर्ज़ा आपको सब जानकारी देना और अच्छे से देना तो मैं आपको पांच के पांच जो है वो बता देता हूं जल्दी से इनको लिख लीजिएगा ठीक है सबसे पहले आ जाता है कौन सा प्राइमरी प्राइमरी आगे सेक्टर लिखते जाइएगा दूसरे नंबर आ जाता है सेकेंडरी तीसरे नंबर आ जाता है टर्शरी क्वाटररी क्वाइनरी क्लियर है ये पांच जो है ये सेक्टर है इकोनमिक्स का क्वेश्चन है ये ठीक है चलिए अब लिख लीजिए प्राइमरी सेक्टर जो है इसमें क्या होता है रॉ मटेरियल होता है क्या होता है रॉ मटेरियल होता है जैसे कि फार्मिंग करना एग्रीकल्चर जो है मछली पालन गाय पालन पालन, एनिमल डोमेस्टिकेशन ठीक है ये सब जो है ये इसके अंडर आते हैं इसमें रॉ फॉर्म्स में चीज़ें होती हैं और भारत में अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि पचास परसेंट पॉपुलेशन जो है वो किस में एंगेज है तो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है क्लियर सेकेंडरी सेक्टर जो आता है इसका क्या कार्य है सेकेंडरी का इसका काम है मैन्यूफैक्चरिंग का इसका क्या काम है मैन्युफैक्चरिंग इसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है यहाँ आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज होती हैं ठीक है ठीके? थर्ड जो है टर्शरी इसमें क्या होता है सर्विस दी जाती है सेवा दी जाती है जैसे हॉस्पिटल हो गया ठीक है जैसे ए टी एम ये ये आ गया ना ऑप्शन में इंटरनेट कैफे ए टी एम बूथ कॉल सेंटर तो ये टर्शरी सेक्टर के ही हैं ठीक है तो आंसर जो इसमें टर्शरी सेक्टर हो जाएगा हमारा तो टर्शरी सेक्टर में को क्या कौन सा सेक्टर कहते हैं तो सर्विस सेक्टर कहते हैं जो क्वारनरी सेक्टर है ठीक है इसे हम कौन सा सेक्टर कहते हैं तो इसे हम कहते हैं नॉलेज सेक्टर कौन सा मेरे भाई तो इसे हम कहेंगे नॉलेज सेक्टर नॉलेज सेक्टर कहेंगे और जो फिफ्थ क्वाइनरी है लास्ट वाला तो इसे हम कहेंगे टॉप लेवल डिसीजन लेने वाला टॉप लेवल डिसीजन मेकर ठीक है क्वाइनरी में नॉलेज वाले में एग्जाम्पल के लिए बता दूँ आपको जैसे इन्फॉर्मेशनल आई आ गया ठीक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम आ गए वो सब आ जाएंगे फोर्थ वाले में और फिफ्थ वाले में जो है टॉप लेवल के डिसीजन्स कौन लेता है जैसे मीडिया हो गया गवर्नमेंट हो गई ठीक है जजेस हो गए ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट हो गए ये सब जो है वो कौन से मैं आएंगे क्वाइनरी में आएंगे फिफ्थ वाले में उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे जल्दी से स्क्रीन ले लीजिए तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मयोरी पीपल्स और फ्रॉम बिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मयोरी पीपल्स जो हैं मयूरी लोग जो हैं वो इनमें से ऑप्शंस में से किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो न्यूजीलैंड जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पे बात करें ये ट्राइबल पीपल हैं कौन से हैं ये ट्राइबल हैं तो भारत में भी बहुत सारी जो है वो ट्राइब्स पाई जाती हैं तो चलो देख लेते हैं आप बोलोगे कि सर भारत में भी पाई जाती हैं तो पीछे क्यों रहे तो भारत के ट्राइब्स भी जो है वो देखेंगे ठीक है तो भारत में कौन कौन सी ट्राइप पाई जाती है मेरे भाई लिखते जाओ एक आ गई गोंड जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा ऐसे नहीं कि सभी कुछ भी लिखवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में है, आती है वही लिखवाऊंगा फिर आती हैं एक बिल्स एक आती हैं बिल्स फिर एक आती हैं संथल आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो डेफिनेटली आपने ये ट्राइब्स के नाम पढ़े होंगे ठीक है उनमें इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं मुंडा फिर आती हैं खासी खासी जंती गारो ये भी आती हैं ठीक है फिर एक लिख लीजिए आप कोडावा ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं अब देख लेते हैं कि ये पाई कहाँ कहाँ जाती हैं ठीक है ये कहाँ पाई जाती है सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है सेंट्रल इंडिया में गोंड जो है वो सेंट्रल इंडिया सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स आ जाएंगे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आ जाएगा फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा तेलंगाना आ जाएगा ठीक है ये सब जो है वो सेंट्रल इंडिया में आएंगे तो बिल जो है ये कहाँ पाए जाएंगे ये पाए जाएंगे हमारे राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं और ये सबसे ओल्डेस्ट भी हैं क्या हैं बिल्स वाले सबसे ओल्डेस्ट हैं बात करते हैं संथल की तो संथल सबसे लार्जेस्ट है संथल सबसे लार्जेस्ट है और पाई कहाँ जाती है झारखंड में पाई जाती है क्लियर है और मुंडा ट्राइब की बात कर ली जाए तो मुंडा मेरे भाइयों कहाँ पाई जाती है ये भी सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है मुंडा ट्राइब सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है खासी ट्राइब पाई जाती है मेघालय में खासी ट्राइब पाई जाती है मेघालय में और कोडाबा जो है ये पाई जाती है कर्नाटक में कर्नाटक में पाई जाती है ये ट्राइब क्लियर है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जल्दी से नोट कर लीजिए मेरे भाई सभी दोस्त ठीक है उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे समझ आ रहे होंगे अच्छों से मेरा ये मतलब नहीं है कि देखने चल रहे हैं और इसमें जो है हम डेफिनेटली क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हुए देखेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कौन सी जगह पे महात्मा गांधी ने डू और डाई करो या मरो का जो नारा है वो दिया था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे महात्मा गांधी ने किस जगह पे करो या मरो का नारा दिया था बोलते जहाँ तो कर लो तो जहाँ तो मर जाओ ठीक है अब आपके हाथ में है ये बात ठीक है तो ये दिया था बॉम्बे में दिया था कहाँ पर दिया था बॉम्बे में दिया था बॉम्बे में कौन सी जगह मेरे भाई बॉम्बे में कौन सी जगह तो बॉम्बे में आ जाएगी गोवालिया टैंक मैदान ठीक है गोवालिया टैंक मैदान जिसे कि क्रांति मैदान भी कहा जाता है क्या कहा जाता है क्रांति मैदान भी कहा जाता है ठीक है तो इस जगह पे जो है वो दिया था तो कब दिया था मेरे भाई सन 1942 में सन 1942 में 1942 तो आप लगा सकते हैं ताजा क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो तभी चल रहा था ठीक है क्विट इंडिया 1942 में चल रहा था इसके सिवा और इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स देख लेते हैं जो चल रहे थे उनके टाइम पीरियड देख लेते हैं कि कब कब जो है वो चल रहे थे सॉल्ट मार्च के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है नमक यात्रा ठीक है सॉल्ट मार्च तो ये पूछा जाता है बारह मार्च ट्वेल्थ ऑफ मार्च नाइनटीन थर्टी को जाए जो है वो साल्ट मार्च हुआ था चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह इसका पूछा जाता है तो 1917 1917 में हुआ था ठीक है चोरी चोरा चोरी चोरा जो है इसके रिलेटेड अगर आ जाए तो 1922 में चोरी चोरा हुआ था और 1942 में एक और आया था वो था क्रिस्प क्रिप्स ठीक है क्रिप्स मिशन चलिए क्लियर है सब जो एक क्वेश्चन जो है ना उसके रिलेटेड के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सबका जो है हम निचोड़ करते हुए चलेंगे और ऐसा कोई क्वेश्चन जो है हम ट्राई करेंगे कि ना छूट जाए जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले हम ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हम कवर कर लें कि जो आपको आपके एग्जाम में आते हुए दिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंडक्टेड देखिए फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो लास्ट डे मैं आपको करवा चुका हूं पहले तीन सेशन जो है वो मैंने करवाए थे ठीक है तो इसका आंसर अभी मुझे देने की जरूरत नहीं लग रही तो इसको मैं एक्सप्लेन ना करके सीधा लिखूंगा एटीन में हुआ था बॉम्बे में हुआ था ठीक है एक चीज़ मैंने नहीं लिखवाई थी उसमें कि कौन सी जगह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इस जगह में हुआ था बॉम्बे में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या, क्या है कि शॉल्स की हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इन इंडिया नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इन इंडिया के चेयरमैन जो है वो कौन है नेशनल इंटीग्रेशन के काउंसिल के जो चेयरमैन है वो हमेशा कौन रहेंगे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जो भी करंटली प्राइम मिनिस्टर होंगे जो भी करंटली पीएम होंगे वो रहेंगे इसके चेयरमैन इसमें होते कौन है मेंबर कौन होते हैं इसमें होते हैं कौन कौन होते हैं इसमें होते हैं जो कि आप कह सकते हैं सीनियर लीडर्स सीनियर लीडर्स जो होते हैं ठीक है सीनियर लीडर्स प्लस आप कह सकते हैं पब्लिक फिगर्स जो होते हैं लोग पब्लिक फिगर्स जो मतलब कि लोगों के बीच में लोकप्रिय होते हैं ठीक है वो हो गए और इनके साथ मिलकर क्या करते हैं एड्रेस द प्रॉब्लम्स क्या करते हैं एड्रेस दी पब्लिक प्रॉब्लम जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के रिलेटेड डिस्कशंस जहां कह सकते हैं उनके ऊपर निर्णय लेते हैं ये लोग ठीक है कौन नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में क्लियर है तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इनजेस्ट द कॉम्प्लेक्स इन्ग्रीडियंट प्रोड्यूस बाई अदर फॉसिल्स देखिए इसमें यह क्वेश्चन किस तरह का बनता है कि दूसरे फॉसिल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया इंजेस्ट कर लेते हैं दूसरे जो हैं हाँ दूसरे पट हैोट्रोपिक कहा रहेगा भाई ऑप्शन नंबर सी में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की फॉर्म में वो आता है तो ऑप्शन नंबर सी जहां पे बिल्कुल सही रहेगा क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज कॉल्ड जाट कास्ट प्लेटो जाट कास्ट जाट की जो कास्ट जाट कास्ट है उनमें प्लेटो किसे कहा जाता था तो राजा सूरजमल राजा सूरजमल जो है इनको जो है जाटों का प्लेटो भी कहा जाता था उस टाइम के पीरियड जब इनका टाइम पीरियड था तो जाट वसिज राजपूत के बहुत से युद्ध हुए हैं जिनमें इन जाटों ने राजपूत जो राजा थे उस टाइम के उनको जो है वो डिफीट किया है क्या किया है मेरे भाई डिफीट किया है तो राजा सूरज मल जो है ये नाम याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिच ऑफ फॉलोइंग शोस सोलिडिट्री वैन प्लेइंग सोलिडिट्री से आप क्या मतलब समझते हैं उन्होंने बोला है कि कौन सा खेल है जो सॉलिडिट्री दिखाता है सोलिडिट्री से आप मतलब समझते हैं यूनिटी इसमें यूनिटी होती है रिस्पेक्ट होती है ठीक है करेज और काइंड ठीक है ये दो चार वर्ड जो हैं ये शो होते हैं तो कौन सा वह ऐसा खेल है इनमें से जिसमें यूनिटी होती है एक साथ लोग करते हैं जैसे देखिए फुटबॉल हो गया एग्जांपल के लिए आपको बता दूं फुटबॉल हो गया एक गोल करना होता है एक गोल करना होता है तो उसके लिए पूरी टीम फुल टीम जो है वो दौड़ती है एक गोल के लिए तो वो यूनिटी में आ जाएगा ना ठीक है तो इसी तरह से अब इनमें ऑप्शन में, में देखिए तो इसमें बास्केटबॉल जो है मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन दर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है तो कौन कौन से बाइज जो हैं वो हिमालय के साथ जा रहे हैं जल्दी से आंसर आने दीजिए इसका कि कौन सी जो है लॉन्गेस्ट रेंज है माउंटेन्स की वर्ल्ड में तो हिमालय वाले बाइयों बिल्कुल गलत हैं आप तो सबसे लंबी जो है वो कौन सी है एंडीज माउंटेन रेंज कौन सी एंडीज माउंटेन रेंज ये बहुत सी देशों में से जाती है जैसे वेनेजुएला हो गया कोलंबिया हो गया ठीक है इक्वाडोर हो गया पेरू ब्राजील ये साथ साथ के जो हैं ब्राजील नहीं बोलविया होगा बोलिविया हो गया ठीक है तो इन सभी में से होते हुए जाती है एंडिस तो ये सबसे जो है वो लंबी है जो भाई बोल रहे हैं हिमालय तो हिमालय का सुन लीजिए हिमालय की रेंज जो है वो कहाँ कहाँ तक है इंडिया नेपाल भूटान चाइना और छोटा सा पाकिस्तान ठीक है यहां से होके जो है वो जाती है हिमालय की तो लॉन्गेस्ट की बात कर लीजिए वर्ल्ड्स की तो एंडीज रहेगी ठीक है तो उसके सिवा यूर पूछा गया है की ये क्या है? ये के 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 हैं 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 रशिया और आल्प्स जो हैं ये सेंट्रल यूरोप के सेंट्रल यूरोप के हैं आल्प्स क्लियर है तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर वाई वॉट नाउम इज द इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक नाउन इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो उसे जाना जाता है मेरे भाइयों किस नाम से वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है किस नाम से वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है तो बात की जाए वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी तो 1944 में स्टेब्लिश हुई थी वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है अगर पूछ लिया जाए प्रेसिडेंट जो है वो अभी करंटली कौन है तो प्रेसिडेंट एक इंडियन है एक इंडियन है अजय 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 वांगा जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा ठीक है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अपने इंडियन है ई भी कौन है अपने इंडियन है परमेश्वरम परम ऐश्वरम परम ऐश्वरम अय्यर ठीक है तो ये परमेश्वरम अय्यर जो है ये ईडी हैं वर्ल्ड बैंक के ये भी अपने इंडियन हैं ठीक है मेरे भाइयों तो आज की क्लास के जो क्वेश्चन थे आज की क्लास के क्वेश्चन खत्म होते हैं तो इतने ही क्वेश्चन जो हैं वो आज की क्लास में थे तो आप सभी दोस्त जो हैं अपना रिव्यू दे के जरूर बताइएगा कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और टोटल आज जो है हमने सेवनटीन क्वेश्चन जो है वो किए हैं ठीक है टोटल कितने किए हैं सेवनटीन क्वेश्चन आज की क्लास में किए हैं तो ट्वेंटी जो है ट्वेंटी की सीरीज हम लेके चल रहे हैं तो ट्राई करेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी जो है हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे क्वेश्चन जिसमें आपको एग्जाम तक पहुँचते

हेलो दोस्तों कैसे हैं मेरे भाई आप सब दोस्त सब दोस्त बढ़िया हैं उम्मीद कर रहा हूँ तो क्या आप सभी दोस्त जो हैं वो आज की क्लास के लिए रेडे रे हैं जी के जी की हमारी जो है पी वाई क्यू बेस्ड सीरीज़ जो है वो चल रही है उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास भी अपनी शुरू कर रहे हैं तो सभी दोस्त जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स वगैरह बना लीजिएगा साथ साथ में क्योंकि जो चीज़ें एक बार हम करेंगे रिवाइज पढ़ेंगे उनको दोबारा दोबारा जो है वो रिपीट नहीं किया जाएगा क्योंकि एक ही सीरीज़ में आपकी जी के जी एस की जो गारंटी हमने ली हुई है वो पूरी करेंगे हम ठीक है तो फिर वो उसको कंटिन्यू लास्ट तक पहुँचते पहुँचते सब जो है वो कंप्लीट कर लेंगे तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वट इज द फ्रिक्शन फोर्स वह फ्रिक्शनल फोर्स का नाम बताइए जो कि दो सरफेस के बीच में इंट्रैक्ट होती हैं रिलेटिव स्पीड में ठीक है रिलेटिव स्पीड में फ्रिक्शन बनती है देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ को जा रहा है जब ये दोनों आपस में रब होंगे तो इनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होती है ठीक है फ्रिक्शन पैदा होती है तो उस फोर्स को इन्होंने पूछा है कि कौन सी फ्रिक्शन कहते हैं तो उसे बेसिकली कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है बट काइनेटिक फ्रिक्शन तो आप बोलेंगे कि सर ऑप्शन में तो है ही नहीं फिर आप काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे बोलते हैं बट काइनेटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम भी है जिसे काइनेटिक फ्रिक्शन को जैसे बोलते हैं ना काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो नाउन एज विच फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन ठीक है तो डायनेमिक फ्रिक्शन तो ऑप्शन में है मेरे भाई तो डायनेमिक फ्रिक्शन ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे बिल्कुल सही होता हुआ चलेगा सभी दोस्त जो हैं वो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट में अपना रिव्यू भी जरूर दीजिएगा और ग्रुप्स वगैरह जो हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच आर्टिकल्स रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री देखिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे ठीक है तो यहां पे इन्होंने पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके ऊपर बहुत हंगामा जो है वो ऑलरेडी हो रहा है ठीक है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूछा गया कि ये, कि ये किस आर्टिकल में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई है क्या चीज ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है कि वन लॉ फॉर ऑल नेशन क्या होता है वन लॉ फॉर ऑल नेशन या कह लीजिए ऑल इंडिया पूरे भारत के लिए एक कानून होगा ठीक है सभी धर्म जो होंगे उन सभी धर्मों के ऊपर एक कानून जो है वो अप्लाई होगा जैसे मैरिज का अलग अलग होता है डाइवोर्स का अलग अलग होता है ठीक है सभी धर्मों के कानून जो है वो एक हो जाएंगे एक समान हो जाएंगे सभी धर्मों के अंदर और इसमें एक की पॉइंट जो है वो क्या बनता है इंपॉर्टेंट कि बनेगा भाई फर्स्ट स्टेट बताइए यहाँ पे यूसीसी सबसे पहले अप्लाई हुआ था ठीक है तो वो कौन सी रहेगी मेरे भाइयों उत्तराखंड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सबसे पहले पास हुआ था कब हुआ था 7th ऑफ फरवरी 2024 को 2024 में दूसरे महीने में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कहीं पास हुआ है तो वो कहाँ हुआ है उत्तराखंड में हुआ है जो कि उत्तराखंड के सीएम जो है वो कौन है पुष्कर सिंह धामी कौन है मेरे बाए?